मैं दिनेश कुमार पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक जेएस पब्लिक स्कूल और प्रेसिडेंट आरके पब्लिक स्कूल नका। आज यहाँ इंडियन पब्लिक स्कूल में बहुत सारे प्रबंधकों की बैठक हुई ताकि 21 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। जो विभिन्न तरह से प्रबंधक बंधु प्रताड़ित हो रहे हैं शासन द्वारा, उससे कैसे निजात मिले, इसके लिए विभिन्न पदाधिकारियों को या अधिकारियों को बुलाया गया 21 तारीख को, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी, DIOS, SSP और अन्य अधिकारियों को बुला करके उनके सामने अपनी समस्याओं को रखने के लिए आयोजन किया गया है। और यह कैसे सफल हो, इसके लिए हम लोग विगत कई दिनों से लगातार प्रबंधकों से मिल रहे हैं और जिस ब्लॉक में जो पद खाली उस पद का भी सृजन किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय प्रबंधक संघ अपने उद्देश्य में सफल हो सके और समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों को उनका अधिकार मिल सके। कहा भी गया है कि अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलि दद्धात दैवो दुर्बल घातक। यानी अश्व की बलि नहीं दी जाती है, गजम नैव हाथी की बल भी नहीं दी जाती है, व्याघ्रम नैव च नैव च बाघ की बल तो कभी भी नहीं दी जाती है, अजापुत्रम बलि दद्धात बलि दी जाती है बकरी के बच्चे की, दैवो दुर्बल घातक। वस्तुतः देवता भी कमजोर को ही सताते हैं, इसलिए अपने प्रबंधक तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ संकल्पित है और इसमें निश्चित तौर पर सफल होगा। धन्यवाद। मैं इंजीनियर विनीत मिश्रा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ। आज हम लोग सिकटौर बाज़ार में इंडियन पब्लिक स्कूल पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग 21 जनवरी को एक वार्षिक अधिवेशन करना चाहते हैं सभी विद्यालय प्रबंधकों का। और उसी अभियान के तहत हम लोग ब्लॉक वाइज हर ब्लॉकों में जा रहे हैं और वहाँ के विद्यालयों से मिलकर उनके प्रबंधकों को जो है वह हम लोग निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है कि भारी से भारी संख्या में आप लोग 21 तारीख को राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ गोरखपुर के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित हों। आपका वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हो रहा है और इसके उद्देश्य क्या है? यह राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ का वार्षिक अधिवेशन ज्ञानस्थली पब्लिक हाई स्कूल राजीव नगर बशारतपुर गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जिस तरह से अफवाहें जो है वो फैल रही हैं कि सभी विद्यालयों को मान्यता, नवीन मान्यता लेनी होगी, स्थायी मान्यता लेनी होगी, इस तरह के जो अफवाहें हैं उन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी प्रबंधकों को एकजुट होकर हमारे जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो BSA DIOS हैं, इन लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। और मेरा सभी प्रबंधक भाइयों से अपील है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह नियत समय पर 21 तारीख को, 21 जनवरी को ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हों।